आइडिया बंदूकनी जी, मेरे पास एक आइडिया है। जोगावर की पार्टी में जाने वाले भी तो जोगावर की तरह ही चोर उचक्के होंगे। वो लोग पार्टी के लिए शॉपिंग करने तो जाएंगे ही। बंदूकनी जी, आप सारे केक, गिफ्ट और फूलों की दुकानों पर इन्फॉर्म कर दीजिए कि किसी भी आदमी पर शक हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर दें। उनमें से ही किसी का पीछा करके हम लोग भी जोगावर तक पहुंच जाएंगे। और ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अभी मैं सारे दुकान वालों को फोन करती हूँ। हेलो श्यामलाल अग्रवाल जी, ओड़ी पापा, मैडम जी, अभी अभी एक आदमी बड़ा सा बोके लेकर गया है। बंदूकनी जी, एक गुंडा सा दिखने वाला आदमी मेरी दुकान से अभी अभी केक लेकर गया है। वाह भतीजे, तेरा आइडिया तो झटपट सटीक निशाने पर लगा है। वाह जोगावर, इंतजाम तो बहुत मस्त किया रे तूने, एकदम झकास। ये बोलो तुम्हारे लिए। तुम सभी का गिफ्ट्स के लिए मेरी और रोजी की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों पकिया, तूने कभी किसी को मोटरसाइकिल का बर्थडे मनाते देखा है क्या? अपने को क्या, गिफ्ट दो और खाना खाओ। अब बर्थडे मोटरसाइकिल का हो या साइकिल का, दे ताली। बंदूकनी जी, इन्हें गिफ्ट दीजिए। और जोगावर, तू शायद भूल गया, कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? नहीं! ये लो, ये भी, ये और, ले लो, ले लो। कोई मुझे भी तो केक मारो। इन लोगों को कौन समझाएगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जो ना समझे वो अनाड़ी और जो लपक ले वो खिलाड़ी है। आइडिया। बाय बाय। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें, चाचा और भतीजा। चल भाई जोगावर, अब जेल में चल के रोजी का बर्थडे मनाना। ओ तुमने ये जामुन खाकर देखे? खाकर देखो, बड़े टेस्टी है। यम्मी, बहुत टेस्टी है। ए, मुझे खाने दो, मेरा इलाका है। इधर दो, इधर दो। बंदूकनी जी, इस जंगल में सिर्फ एक ही जगह जामुन के पेड़ है, नॉर्थ साइड चलिए। ओए हैंड्स अप। ए
टेप खा के दिखा मेरा केक। कानून के हाथ और बंदूक नी की लात से कोई ना बच सके है। सॉरी बंदूक नी जी, मैं आपको आपका केक लौटाता हूँ। हैप्पी बर्थडे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा। थैंक यू चाचा भतीजा, अब शाम को पार्टी धूमधाम से बनेगी। कोई कुछ ना कर सकेगा भैया, जब तक चलेगा बब्बन का गोल गोल पहिया। चाचू ये गली बहुत पतली है, अपना स्कूटर अंदर गया तो फंस जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर जाता हूँ। ओ भतीजे लिफ्ट प्लीज। ओ बंदूक दीजिए, आपकी जीप किधर गई? रे भतीजे मैं तो तेरे से लिफ्ट ले रही हूँ। अरे क्या कर रहा है बच्चे? ए कान छोड़, छोड़ कान। ए बाल छोड़ मेरे, छोड़ छोड़ बाल, बाल छोड़। ओ भतीजे वो चोट तो नहीं लगी? चाचा के होते भतीजे को कुछ हो सकता है क्या? चाचू ये लो चोरी का सामान। ओए लेकिन चोर तो भाग गया। भाग तो गया लेकिन ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। अब तो मैं इस कार को रोक के ही रहूंगा। छोड़ेगी रे चाचे, अगर मेरे टीटू को कुछ हो गया ना तो तेरा असली कचूमर निकाल दूंगी। आइडिया, चाचू अब कार पकड़ में आ जाएगी, आप मेरे पीछे आओ। Woo!
बहुत कर ली मौज मस्ती, अब बस। थैंक यू भतीजा। अरे टिट्टू तू ठीक तो है ना? और चाचा भतीजा, इसकी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। ओ कोई बात नहीं बंदूकनी जी, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। मुझे तो इसके साथ इस धमा चौकड़ी में बहुत मजा आया। एक मिनट, ये टेबल तो सच में चोरी हो गया है। इस टेबल पर इंग्लिश डिजिट्स में डिटेल्स लिखे हुए हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि 1616 साल में इंडिया में तो इंग्लिश चलती ही नहीं थी। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है। यू आर राइट बच्चे, इसका मतलब टेबल सच में चोरी हो गई है। गार्ड्स जल्दी से सारे डोर्स चेक करो, कोई भी बाहर ना निकलने पाए। चाचू मूर्ति पकड़ो। सॉरी सॉरी, शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अरे नहीं नहीं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। एक टेबल जो गायब हुआ है उसको तो ढूंढना पड़ेगा। रियल एंटीक टेबल नहीं मिला तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, वो अलग। सर टेबल तो गायब हुआ ही है, पर इस टेबल की मूर्ति कहाँ चली गई? हाँ? अरे क्यों मुझे झटके पर झटके दिए जा रहे हो? सिक्योरिटी, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। एवरीबॉडी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर हमें आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ? सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए प्लीज। हम सबकी तलाशी तो हो चुकी है, पर आपके पास भी तो बैग है, उसको भी तो चेक कीजिए। नहीं नहीं, 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 मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स है और कुछ नहीं है। अंकल जब बैग में आपका लंच बॉक्स ही है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? एसी तो ऑन है। कुछ तो करना पड़ेगा। कैंडी चाहिए। मेरे पास कैंडी है, जरा मुंह खोलो। पापा पापा कहाँ हो? ओ पति जेब, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चाचू ये बहुत लंबी कहानी है, बस डंका ढोलकी की वजह से हम सब परेशान हो गए थे। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। मुन्नी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। नाम मेरा है शीला, अंदाज मेरा है शर्मीला। चोर फंस गया जाल में, जल्दी चलिए चलिए। रे बहादुर जीप निकाल। रे भैंस की पूछ, जीप नहीं जीप, जीप। आखिरकार स्कूटर अपने हाथ लग ही गया। अब बस किसी सुनसान जगह पर चलकर हीरे निकालकर इस खटारे को फेंक देते हैं। दिखाने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रही, ये तो अपने आप।
जा बावड़ी पूछ, अब भागने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम दोनों जेल में दिखाना अपनी लीला। और समझ में नहीं आ रहा कि बैंक में चोरी हुई कैसे। अब बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक बंद करते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छी तरह चेक किया था कि बैंक के अंदर कोई नहीं था, कोई खिड़की या दरवाजा भी टूटा हुआ नजर नहीं आया। चोर आखिर बैंक के अंदर घुसा कहां से? ओ फिकर नॉट जी, ओ जुगावर की दुकान पे शरबत पीकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। जुगावर अंकल कहाँ हो? ओए जुगावर, ओ ठंडी ठंडी शरबत पिला दे यार। शरबत? क्यों नहीं जरूर। मैंने शरबत की बोतल कहाँ रखी है? शरबत पीछे फ्रिज में है, मैं आपकी मदद करता हूँ। अंदर मत आना। मेरा मतलब है, आप क्यों तकलीफ करते हो? मैं हूँ ना। ये जुगावर मुझे अंदर आने से क्यों रोक रहा है? और इसके हाथों और जूतों पर ये मिट्टी कैसी? जरूर कुछ गड़बड़ है। यो चोर तो दिन ब दिन चालाक होते जा रहा है। हम अच्छे आदमी क्या बने, दुनिया चोर बन गई। हाँ बंदूकनी जी, चाचू मुझे जोगावर पर शक है। मुझे लगता है कि बैंक की चोरी में जोगावर का ही हाथ है। ओए क्या बात कर रहा है पतीजे, जुगावर तो एक शरीफ इंसान बन गया है। बना नहीं है चाचू, बनने की एक्टिंग कर रहा है। उसके हाथों और जूतों पर मिट्टी के निशान थे और रोज सड़क के किनारे पर कोई मिट्टी फेंक जाता है। मुझे शक है कि इन दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। हमें उसकी दुकान के अंदर देखना होगा। अंदर? हम उसकी दुकान के अंदर कैसे देखेंगे? एक तरीका है। बच्चों, जिस फंटूस चॉकलेट का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चॉकलेट इस दुकान में आ गई है। फंटूस चॉकलेट, ये। अंकल, हमें फंटूस चॉकलेट चाहिए। मुझे दो देना। क्या फंटूस चॉकलेट? ऐसे भी कोई चीज होती है क्या? रुको, मैं देखता हूँ। अंकल, हम ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। ये शरीफ आदमी बनना कितना मुश्किल काम है। कितने प्यारे बच्चे हैं। शक सही निकला, जुगावर ने बैंक तक सुरंग बनाकर चोरी की। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो? भतीजे, आओगे कैसे? दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं,
क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? मैंने बंदूक नीची को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। ओए भतीजा बकवास बंद कर और मेरे करोड़ों रुपयों की सीढ़ी मेरे हवाले कर दे। चिच्चे और नहीं भाग सकता, मुझे उठा लो। ओए भतीजे, मैं अब डंका ढोलकी को नहीं छोड़ूंगा। किधर है वो? अभी देखता हूँ। ओए चाचे सो गया क्या? अंकल नीचे छुक। ओ भतीजे कहाँ है डंका ढोलकी? मैं अभी उनका ढोलक बजाता हूँ। भतीजे तुम्हारी चाल बेकार गई। चाल गई नहीं, वो आ रही है, देखो। चाचू उठो, चाचू। वो सीढ़ी मेरे हवाले कर दे भतीजे। चाचू चाचू होश में आओ, तब तक मैं इनके साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ। बहादुर सिंह, जय मुसीबत से मेरा पीछा छुड़वाओ। ओ शाबाश भतीजे, मैं अभी ने देख लूंगा क्योंकि मैं अब ठीक हूँ। बंदूक नीची, ये लीजिए सीडी। गई सीढ़ी, मिल गई। चल ढोल की भाग। चिच्चे ईंट मिली है, सीढ़ी नहीं। हैंड्स अप। बंदूक नीची, हाथ ऊपर कर लो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। रे भतीजे अब मैं क्या करूं? आपका मेकअप खराब हो गया है। जब तक मैं भतीजे से बात करता हूँ, आप मेकअप करो। बहादुर शीशा दिखा। भतीजे वो सीढ़ी मेरे हवाले कर दो। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। जी, इनका डॉगी किडनैप हो गया और इसकी गलती की वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हें रोज सुबह उठ के 16 बादाम भिगो के खाने चाहिए, दिमाग चुस्त हो जाएगा। नानी, आपको अभी तक पैसों के लिए फोन आ जाता अगर डॉगी किडनैप हुआ होता। मुझे लगता है किडनैपर को डॉगी नहीं, उसके गले का लॉकेट चाहिए। मेरा डॉगी तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। पावली सिंह रिपोर्टिंग सर, आपको मेरे जैसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। हमें बॉडीगार्ड की नहीं, एक रिपोर्टर की जरूरत है। क्या मतलब? चाचू मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन मेरे चतुर को तो जलेबी पसंद है। फिर भी आप टीवी पर जले हुए समोसे ही बोलो। एक्शन। मेरा चतुर डॉगी दूसरे डॉगी की तरह डॉग फूड नहीं खाता। उसे तो बैजू बावरा के जले हुए समोसे ही पसंद है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। अब किडनैपर के पास मेरा डॉगी भूखा होगा। ओए जिज्जे, तो ये बात है? फिर तो अगर इस डॉगी को काबू करना है तो बैजू बावरा के पास जाना ही होगा। चाचू जैसे ही कोई जले हुए समोसे मांगे तो हमें ये लाल रुमाल दिखा के इशारा करना, ठीक है? ओए जी पुत्र, फिकर दी कोई गल नहीं, तुम लोग छुप जाओ। ओ
ओए सुनो, चार जले हुए समोसे देना। ओए मैं अभी चार अच्छे करारे समोसे लेकर आता हूँ। ओए अच्छे नहीं, जले हुए, जले हुए। ओ जी, हम अपने कस्टमर को जले हुए समोसे नहीं देते। ओए यार, हमें नहीं, हमारे डॉगी को जले हुए समोसे पसंद है। ओ यार, ये रुमाल कहाँ गया यार? रुमाल में नहीं, पेपर में बांधो। ओ रुमाल तो भतीजे इशारा करने के लिए। ये क्या बोल दिया? ओए ओए, रे पावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, जलेबी खाने की चीज से मारने की नहीं, पूरा मेकअप खराब कर दिया। ओ जी, मिल गया रुमाल। सॉरी। ओए तुम लोग सुनो, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पर तुम दोनों ध्यान रखना कि चोर हीरा लेकर फंटूस नगर से जाने ना पाए। बंदूक नीजी, मुझे पूरा शक है कि हीरा इस गाड़ी में ही है। भतीजे, तू भल्ला पर शक कर रहा है, हैं? भल्ला अंकल पर नहीं, इस रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर पर। हमें गाड़ी को स्कैन करना चाहिए। पर भतीजे, हमारे पास कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है। ये हमें पता है, पर ड्राइवर को नहीं। रुके रुके, एक मिनट भल्ला जी, हमें आपकी गाड़ी को भी स्कैन करना है। अरे जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो, मुझे टिम्बक्तू पहुँचना है। इससे पहले कि हीरा इनके हाथ लग जाए, यहाँ से भागना ही होगा। और क्या? मेरा शक सही था, यही है चोर, और उस सूटकेस में हीरा है, पकड़ो उसे। चल भतीजे। ये क्या हो रहा है? वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? ओ जी, कोई टिम्बकटू के फ्री टिकट नहीं है। इस चोर ने आपको बेवकूफ बनाया ताकि हीरा फंटूस नगर के बाहर ले जा सके। क्या? मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। चल पम्मी। और बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, कहाँ घुसे जा रहे हो? तो जेल में मैं टिम्बकटू दिखाती हूँ। चल। इस हीरे की चमक को कोई नहीं छुपा सकता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बच्चा कहाँ है? वही है सबसे तेज। बड़ा मजा आ रहा है भतीजे, और मैंने ऐसा एक्शन पहले कभी नहीं किया। बंदूकनी जी, कैसा लग रहा है मेरा एक्शन? वाह चाचे, तूने तो एक एक को उड़ उड़ कर मारा। ऐसा एक्शन तो मैंने कभी ना देखा। नाउ इट इज टाइम फॉर माय एक्शन। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है।
काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ पतीजा।